अस्सलाम वालेकुम सर, फिशिंग टाइम में फिशिंग जोन के साथ मैं हूँ सैयद हमाद रजा काजमी। तो दोस्तों, आज हम जो आपसे चढ़ाई पाउडर शेयर करने जा रहे हैं, ये बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश आई थी और कोई नारायण का फार्मूला बताएं। तो दोस्तों, आज हम जो फार्मूला आपसे चढ़ाई पाउडर शेयर करने जा रहे हैं, ये नारायण और रहू दोनों के लिए कारआमद है और इसके बेहतरीन रिजल्ट हैं। और इसमें थोड़ा सा रद्द बदल करके आप इसी फार्मूले को रोहू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी ही फार्मूले को 100% नारायण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ के रद्द बदल से। तो इसमें हम जो अज्जा शामिल कर रहे हैं उसकी तफसील बताने से पहले मैं बताता चलूँ आपको कि आप ये चढ़ाई पाउडर दरिया, डैम और नहर जिस जगह चाहें आप इसको नदी में इस्तेमाल कर करें, इंशाल्लाह आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और एज ए ग्राउंड बाइट इसको इस्तेमाल करना है आपने। तो दोस्तों, एक बहुत अहम बात जो मैं बताऊँ आपको कि मछली आपकी जगह कभी नहीं छोड़ेगी अगर आप उसकी जगह ग्राउंड बाइट में अपना ये जो फूड अज्जा है, जैसे 4 नंबर फीड, ये दाना आप अपनी मिकदार कंटिन्यूसली जहाँ पे आप अपनी डोरे खेल रहे हैं वहाँ पे बिखरा रहना चाहिए और इंशाल्लाह आप कि मछली को कोई नहीं तोड़ सकता, इंशाल्लाह वो और ना ही वो जगह आपकी छोड़ेगी मछली, आपको कंटिन्यूसली गेम होती रहेगी। तो इसमें जो मैंने अज्जा इस्तेमाल किए हैं, सबसे पहले है कपूर खिचड़ी। कपूर खिचड़ी, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया कि ये हाजमा भी है और खुशबू भी है, ये शिकार के लिए बेहतरीन, हर तकरीबन शिकारी अपनी चढ़ाई में इसको इस्तेमाल करते हैं। और नंबर 2 पे चढ़ेला है, चढ़ेला हम आप इसको अपनी खुशबू की वजह से इस्तेमाल करेंगे चढ़ाई में। नंबर 3 पे सफ़ेद जीरा है। सफ़ेद जीरे के 2 काम हैं, जैसे कपूर खिचड़ी हाजमे का काम भी करती है, खुशबू भी है, इस तरह जीरा भी हाजमे का भी काम करता है और इसकी खुशबू भी बेहतरीन है। और नंबर 4 पे है गुड़बच। गुड़बच भी अपनी खुशबू की वजह से इसको इस्तेमाल करेंगे चढ़ाई में। और नंबर 5 पे है टमाटर के बीज, टमाटो सीड। हाँ जी, टमाटो सीड, यही वो अज्जा है जो नारायण ज़्यादा खुश होकर आता है इस पर। तो ये टमाटर के बीज है। नंबर 5 पे टमाटर है और नंबर 6 पे बालछड़ है और नंबर 7 पे भंग के बीज है। तो ये 7 अज्जा हैं और मैं आपको बताऊंगा इनकी मिकदार आपने कितनी कितनी इस्तेमाल करनी है। तो ये तमाम अज्जा को आपने चाय पाउडर बनाने से पहले कपूर खिचड़ी, सफ़ेद जीरा, गुड़बच, टमाटर के बीज और भंग के बीज, इनको आपने बिल्कुल हल्की आंच में किसी कढ़ाई में आपने या रेत डाल के आप इनको अच्छी तरह भून लेना है और भूनने के बाद आपने इसका चाय पाउडर बनाना है। और ये चाय पाउडर आपने 1 से 1.5 चम्मच आपने 1 किलो चाय में इस्तेमाल करना है। तो ये इसका तरीकाकार है। ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो आपसे शेयर कर चुका हूँ, जैसे कि आपने ग्राउंड बाइट या वेट चेयर या आपने किस तरह तैयार करनी है। तो सेम है, जहाँ दूसरे वही आपने रखें और उसमें सिर्फ ये 1 खाने का चम्मच या 1.5 खाने का चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, आजकल मौसम भी बदल गया है, तो मेरे दोस्तों एक बात और बताता चलूँ आपको कि हमेशा गर्मी में चढ़ाई पाउडर की कम मकदार इस्तेमाल करते हैं और सर्दी के मौसम में चढ़ाई पाउडर की मकदार, फर्ज करें आप गर्मी में 1 चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो सर्दी में 2 से 1.5 चम्मच आप इस्तेमाल करें। और सर्दी में क्योंकि ठंडक होने की खुशबू ज़रा तेज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है, बेहतर है कि चढ़ाई पाउडर की मकदार आप सर्दी में थोड़ी ज़्यादा रखा करें। तो आइए बताएं आपको कि इन अज्जा की कितनी कितनी मकदार आपने इस चढ़ाई पाउडर में इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों, आइए आपको बताएं कि इसमें कौन कौन से अज्जा कितनी मकदार में आपने इस्तेमाल किए करने हैं। तो दोस्तों, हस्बे रवायत मैंने आपको बताया कि मैं अपने दोस्तों के लिए 3 तरह की क्वांटिटी शेयर करता हूं आपसे। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये डबल हो जाती है और ये नंबर 3 में 3 गुना क्वांटिटी कर देता हूँ मैं। तो इसमें जो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल हो रही हैं उसमें नंबर 1 पे कपूर खिचड़ी है, कपूर खिचड़ी आपने 50 ग्राम लेनी है। और नंबर 2 पे चढ़ेला है, चढ़ेला आपने 50 ग्राम लेना है। नंबर 3 पे सफ़ेद जीरा है, सफ़ेद जीरा आपने 50 ग्राम लेना है। और नंबर 4 पे गुड़बच है, गुड़बच आपने 100 ग्राम लेना है। और ये टमाटर के बीज हैं, ये आपने अगर रोहू की चढ़ाई खेलनी है तो ये इसी में 25 ग्राम ही रहने दें। अगर आपने ये नारायण के लिए इस्तेमाल करना है तो इसकी क्वांटिटी आप 25 की जगह 50 कर लें। बकाया नंबर 6 पे बालछड़ा, इसको 25 ग्राम ही रहने दें।
नंबर 7 पे भंग के बीज हैं, इनको आपने 50 ग्राम भी रहने देना है। अगर आप ये रोहू के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यही ठीक है, क्वांटिटी 350 ग्राम बनेगी आपकी। अगर नारायण के लिए बनाना चाह रहे हैं तो इसको 50 ग्राम कर लें तो आपकी टोटल क्वांटिटी 375 ग्राम बन जाएगी। तो यही फार्मूला आप नारायण के लिए आप इस्तेमाल करें, चिराई पाउडर। तो इसकी मकदार मैंने बता दी आपको, 1 खाने का चम्मच से 1.5 खाने का चम्मच आपने इस्तेमाल करनी है। और इसी तरह अगर आप इसकी क्वांटिटी डबल करना चाहते हैं तो ये 100 ग्राम कर लेना, ये 100 ग्राम कर लेना आपने कपूर कचरी, छरेला भी 100 ग्राम कर लेना है, और सफ़ेद जीरा 100 ग्राम कर लेना है, गुड़बच 200 ग्राम कर लेना है। और ये उसी तरह जैसे अगर रोहू आपने खेलना तो ये आप 25 ग्राम ही रखें, और अगर नारायण करना है तो उसको 100 ग्राम कर लेना आपने, ये नीचे 50 ग्राम ही चले रखना है आपने बालछड़ को, और बांग के 100 ग्राम रखना है। और ये टोटल क्वांटिटी अगर रोहू के लिए रखेंगे तो 700 ग्राम बनेगी, अगर ये बीच में इसके टमाटर के बीच 100 ग्राम कर लेंगे तो 750 ग्राम बनेगी आपकी। और इसी तरह ये नंबर 3 पे है, ये 3 गुना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप ये पहले कालम वाली आप क्वांटिटी बनाएं। और एक शिकार खेलने से कोई आप इसका रिजल्ट अखस नहीं कर लेना चाहिए कि ये जो चीज़ थी ये काम नहीं आई या इसने काम नहीं किया, तो कम से कम आप एक सीज़न ज़रूर खेलें आप इसको, और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे इसके। अब इन्हीं अज्जा को हम इंग्लिश में आपसे शेयर करते हैं। फ्रेग्रेंट रूट्स कपूर कचरी 50 ग्राम आपने लेनी है, इसमें एक्वेंटिस 50 ग्राम लेना, आपने वाइट कॉमन लेना आपने 50 ग्राम, क्लामस और रूट्स आपने 100 ग्राम लेनी है, टमाटो सीड 25 ग्राम लेना है, वेलरिन रूट्स पालछर 25 ग्राम लेना है आपने, हेम्प सीड्स आपने 50 ग्राम लेना है आपने, ये टोटल बनेगा 350 ग्राम। रोहू के लिए आपने ये मैंने लिख दिया नीचे, आपने मैक्सिमम अगर ये 25 ग्राम है तो आपने इसमें 25 ग्राम ही करना है, अगर आप नारायण के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो इसको आपने 50 ग्राम कर लेना है। तो ये छोटी सी चेंज करने के बाद इसी फार्मूले को आप रोहू के लिए और नारायण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों रोहू और नारायण का फार्मूला मैं आप बंगला में आपसे शेयर करने लगा हूँ। ये कपूर कचरी आपने 50 ग्राम लेनी है, छड़ेला आपने 50 ग्राम लेना है, सफ़ेद जीरा आपने लेना है 50 ग्राम, गुड़बाज करना है 100 ग्राम, और ये टमाटर के बीज आपने रोहू के लिए 25 ग्राम ही रखने हैं, अगर आपने नारायण के लिए रखने हैं तो इसको आपने 50 ग्राम कर लेना है, बकाया नीचे बालछर 25 ग्राम ही रखना है आपने, और ये भंग के बीज आपने 50 ग्राम ही रखने हैं, ये टोटल 350 ग्राम बनेगा। अगर आप इसमें डबल क्वांटिटी करनी है तो आप ये वाला कालम इस्तेमाल करें, अगर ये क्वांटिटी मज़ीद आप 3 गुना ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ये नंबर 3 वाला कालम तैयार करवाएं, ये फार्मूला। और इसमें ये याद रखें कि अगर आप रोहू के लिए रख रहे हैं तो यही रखें फार्मूला इस ये टमाटर सीड को, अगर नारायण के लिए आपने करना है तो इसमें 50 ग्राम कर लें, इसमें आपने 100 ग्राम कर लेना है, और इसमें 150 ग्राम कर लेना है। ये छोटी सी चेंज से आप इसी फार्मूले को नारायण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये फार्मूला मैं आपसे हिंदी में शेयर कर रहा हूँ। ये नंबर 1 पे कपूर कचरी आपने 50 ग्राम रखनी है, छरेला आपने 50 ग्राम रखना है, सफ़ेद ज़ीरा आपने 50 ग्राम रखना है, गुड़बच आपने 100 ग्राम करना है, और ये टमाटर सीड आपने अगर रोहू खेलना है तो इतनी ही क्वांटिटी रहने दें, अगर नारायण के लिए चराई बनानी तो आप इसको 50 ग्राम कर लें, और ये नीचे बालछड़ है ये आपने 25 ग्राम ही रखना है, और ये भंग के बीज हैं ये आपने 50 ग्राम इस्तेमाल करने हैं, और ये टोटल 350 ग्राम बनेगा। अगर आपने इससे क्वांटिटी डबल करनी है तो ये कॉलम नंबर 2 वाले क्वांटिटी तैयार करवाएं, अगर मज़ीद क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो ये कॉलम 3 वाली क्वांटिटी आप तैयार करवाएं। इसमें थोड़ा सा बस आपने ये रद्दबदल करना है कि आपने अगर नारायण के लिए क्वांटिटी करनी है तो इसको 25 की जगह 50 कर लें, और इसको 50 की जगह 100 कर लें, और इसको 75 की जगह 150 ग्राम कर लें। ये छोटी सी चेंज से आप इसी चराई को आप नारायण के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रोहू के लिए भी इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह आपको ये बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और ये आप जैसे कि मैंने बताया है कि आपने इसकी तैयारी करने से पहले इनको किसी रेत में डाल के आपने अच्छी तरह भून लेना है, भूनने के बाद इसका पाउडर तैयार करें, और ये 1 खाने के चम्मच से 1.5 खाने के चम्मच तक आपने इसको चराई पाउडर में इस्तेमाल करना है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की चढ़ाई जो मैंने आपसे शेयर की है। जैसे कि आपको बताया कि इसमें टमाटर के बीज अगर आप रोहू का शिकार कर रहे हैं तो अगर इस रेशो में आप अगर टमाटर के बीज 25 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं तो नारायण के लिए आपने वो मिकदार 50 ग्राम कर लेनी है। और अगर वो आप बकाया चीजें आपके 50 ग्राम है तो इसको आपने 100 ग्राम, यानी कि सिर्फ छोटे से रद्दो बदल से आप इसकी नारायण और रूह के लिए ट्राइपोटो दोनों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ टमाटर के बीज की मिकदार आपने कम रोहू के लिए कम कर देनी है। अगर आप नारायण खेलना चाह रहे हैं तो वो उतनी ही मिकदार 25 ग्राम है तो 50 ग्राम आपने टमाटर की डालनी है बीज की। तो ये था हमारा आज का चाय पाउडर जो आप इंशाल्लाह आप इसको खेलें और उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन रिजल्ट आएंगे आपके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखें, फिशिंग टाइम फिशिंग जोन के साथ सैयद हमाद रजा काजमी। खुदा हाफिज। Thank you.